आज का कंपैरिजन दो ऐसी पर्सनालिटीज के दरमियान के जहां एक ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फिटनेस स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट किए उसका डेटम बनाया उसका ग्राउंड बनाया जबकि दूसरे ने उसी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दिया उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया एक को लोग भाईजान कहते हैं तो दूसरे को देसी बॉय और दोनों के दोनों दिसंबर की पैदावार है एक पठान मूवी में काम करके आ रहा है जबकि दूसरा खुद एक्चुअल में पठान है यस मैं आपसे बात कर रहा हूं सलमान खान वर्सेज्रम आज की में, आज की में हम ये देखेंगे के कौन किससे बेहतर है so हैं बॉडी फैट तो के अराउंड रहे स्पेशली जब हम इनकी प्राइम टाइम फिजिक की बात करते हैं जैसे कि दो की मूवी तुम को ना भूल पाएंगे ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि सलमान खान सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आ गए हो या फिर इनफैक्ट इतना लीन हो गए हो कि इनके एब्स में भी वेंस दिख रहे हों एक हेल्दी बॉडी फैट में रहना सलमान खान की हमेशा से प्रायोरिटी रही है और काफी टाइम से सलमान अपनी मूवीज में सीजीआई यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भी सहारा ले रहे हैं जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर है कि ऑफकोर्स वक्त के साथ साथ ही इज एजिंग आर गोइंग डाउन एंड एज अ रिजल्ट हीरो दिखने के लिए स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो सीजीआई का सहारा ले रहे हैं जब आप जॉन की बात करते हैं तो जॉन ने भी सिंगल डिजिट बॉडी फैट को कभी हिट नहीं किया बट सलमान खान के मुकाबले वो काफी लीन रहते हैं और ये चीज इनकी मूवीज में भी पोर्ट्रे होती है तो जब आप फिजिकल एट्रीब्यूट का जो पहला पैरामीटर है हमारा दैट इज बॉडी फैट उसकी बात करते हैं सो ऑफ कोर्स जॉन इब्राहम और अब बात करते हैं जेनेटिक्स की बॉडी टाइप की हाइट की मस्क्यूलेचर की सलमान की हाइट जॉन के मुकाबले कम है छोटी है दैट इज इज अराउंड फाइव फुट एट इंच

लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मस्क्यूलैरिटी में जॉन ने आखिरकार सलमान को बीट किया और अब वो बॉलीवुड के मसल मैन के तौर पर जाने जाते हैं और अभी मैं यूज या फिर एंड्रोजन एक्सपोजर की बात नहीं कर रहा आपसे इनफैक्ट वी आर येट टू मेक ए नेडी और नॉट ऑन सलमान खान लेकिन जब आप जॉन की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने एनाबोलिक से भरपूर फायदा उठाया और अपनी फिजीक को नेक्स्ट लेवल पे पुश किया नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए जबकि सलमान खान के केस में आई येट टू दीटीमेट लिमिटर है इनऑर्डर टू यूज दैट स्ट बट अगेन जेनेटिक वाइज आई वु लाइक ग्रेट जेनेटिक्स लेकिन अगेन क्योंकि इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं मस्क्यूलरिटी मस्क्यूलैरिटी और साइज के हिसाब से जॉन लीड्स जॉन इज सुपीरियर टू सलमान खान अदरवाइज आप सलमान खान के जब यू नो व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम या फिर अगर आप जॉन का जो ये व्हेन ही वाज नैडी उस फिजिक को कंपेयर करें सो ही कैन नॉट इवन स्टैंड अ सिंगल सेकंड अगेंस्ट सलमान खान लेकिन एज ऑफ नाउ अगेन फॉर द बेसिक कंपैरिजन पर्पस जॉन लीड्स इन टर्म्स ऑफ मस्क्यूलैरिटी और अब बात करते हैं इनके फाइटिंग स्टाइल की जब आप सलमान और जॉन की फाइटिंग कोरियोग्राफी देखते हैं तो दोनों के फाइटिंग सीक्वेंस ग्राउंडेड हैं हैंड हैंड टू है और अब बात करते हैं कि अगर सलमान और जॉन दोनों एक्टर्स नहीं होते बल्कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते सो हु वुड सक्सेसफुल सबसे पहले बात करते हैं जॉन की जब आपने जॉन को यू you नो know, सबसे मैसिव आई थिंक देखा होगा फोर्स मूवी में जब वो 100 के हो गए थे uh, like वो बंदा सौ के जी के आसपास सेंड कर रहा था जबकि सलमान खान हैजी लाइक बियरलीवेंटी फाइव और एटी के जीज सो इस हिसाब से सिंस जॉन इज लाइक ट्वेंटी अब सलमान खान सो डू यू थिंक ही इज यू नो दिन सेट नहीं सर ऐसा नहीं है जब आप जॉन की बात करते हैं तो ही इज कपल ऑफ इंच टॉलर देन सलमान खान और हमें ये चीज पता है कि जब आप दूसरों के मुकाबले लंबे होते हैं सो आपके जो बोन्स होते हैं दे आर एबल टू होल्ड मोर मसल मैस एज कम्पेयर टू पीपल हु आर और ये कहें कि यू आर लाइक बिल्ड हैवी सो ये येस yes, एक जेनेटिक एडवांटेज है जॉन के मुकाबले अदरवाइज अगर आप ओवरऑल अगर आप सलमान खान और जॉन को अपने अपने वेट और हाइट कैप्स के हिसाब से अपने अपने बॉडी बिल्डिंग डिविजन में भेज दें

So, अगर सलमान खान और जॉन इब्राहिम एक्टर्स नहीं भी होते बॉडी बिल्डिंग में भी अगर वो एंटर हुए होते प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में सो आई वु यहाँ पे हम देख रहे हैं जॉन हैज लीड ओवर सलमान इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि जॉन इज एट ईयर यंगर दैन सलमान सो ऑफकोर्स ये एक फैक्टर आता है एंड इनफैक्ट ही होप्ड ऑन स्टेरॉइड एंड एनाबोलिक्स प्रो प्र लेकिन हम ये देखेंगे पीछे का टाइम वेन सलमान खान सलमान खान का आप टाइम रखें like, दो, दो तुमको ना भूल पाएंगे और जॉन का आप टाइम रखें अगेन दो वैन ही वॉज नेचुरल सो आई वुड से के के आप देख बोलोगे इज नो कमिजन लाइक इन टर्म्स ऑफ साइज बॉडी फैट कंडीशनिंग सलमान खान इज अ क्लियर विनर यानी अगर यही वीडियो मैं 2002 में बनाता तो आप लोग कहते कि यार तुम क्या हरकत कर रहे हो सलमान का और जॉन का क्या कंपेरिजन है जॉन तो उसके सामने बच्चा लग रहा है सो आई वुड से जनरेशन गैप सलमान खान ने एक ऐसे टाइम पे बॉलीवुड फिटनेस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जहां एशिया के जो मेजोरिटी नौजवान हैं उनको डंबल्स पकड़ने नहीं आते थे उनको अच्छे जिम्स का एक्सेस नहीं था सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और आई वुड से वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन वन ऑफ दाइनियर्स जिन्होंने इस इंडस्ट्री की बुनियाद रखी अस्थेटिक्स की बुनियाद रखी हाउ एडोनिस अ पर्सन इन ए मस्क्यूलर मैन शुड लुक लाइक ये माइंडसेट लोगों के जहनों में डाला एक यू नो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा एक मस्कुलर मैन इस टाइप का होता है इस तरह का दिखना चाहिए सो so, उसकी बुनियाद रखना डेटम बनाना एक स्टैंडर्ड को इन्वेंट करना दैट इज आई वुड से मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू इनहेंसिंग द स्टैंडर्ड अभी की आप बात करें ऑफकोर्स ही हैज वेल

दिल पे लेने की जरूरत नहीं है दिस इज लाइक अ बेसिक कंपेरिजन बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड दैट आई हैव मेड और इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फाइन दिस वीडियो हेल्पफुल मेक श्योर हेल्पफुलट नो बाई एंड अप सेव कैर